आज आज हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, फोर्थ नंबर वाली। हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैच स्टिक्स इन ईच ऑफ दीज। ठीक है, अब यहाँ पर कितने फिगर्स दिखाई दे रहे हैं हमको टोटल के? पाँच, ठीक है, फाइव दिखाई दे रहे हैं। अब देखो सबसे पहला वाला जो फिगर है इसकी कितनी साइड्स हैं? फोर, इसके सेवन है, फिर से गिनो, एट, इसके फाइव, सेवन और टेन, ठीक है। अब जितने भी ये फिगर्स यहाँ पे बने हुए हैं, अब आपको क्या करना है, इतनी ही तीलियाँ यूज करनी है, मतलब इतनी ही साइड्स यूज करनी है और आपको इनसे कुछ डिफरेंट फिगर्स बनाने हैं, ठीक है। तो तीन तीन बच्चों के ग्रुप रहेंगे, तीन तीन बच्चों के ग्रुप में आप जैसे फोर मैच स्टिक वाला जो ग्रुप है तो फोर मैच स्टिक वाला ग्रुप उससे कितने नए फिगर्स बनाएंगे? तीन। वैसे एट वाले भी तीन बनाएंगे, वैसे फाइव वाले भी तीन बनाएंगे, ठीक है। सारे ग्रुप्स क्या बनाएंगे? तीन तीन अलग अलग फिगर्स बनाएंगे, ये नहीं बनाने हैं, ठीक है। शुरू करें तो ओके, जो एक्सरसाइज दी थी वो हो गया, वो चेक करने आऊं मैं? ओके, तो आपके पास कितनी तीलियां थी बेटे? सेवन थी आपके पास, तो आपने बना लिया सेवन का, वेरी गुड। ये सारी क्लोज शेप्स हैं, ठीक है। आप इसे ओपन शेप्स भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी हमने क्लोज शेप्स बनाने को बोला था। ओके, आपके पास कितनी तीलियां थी बेटे? एट। क्या बनाया आपने? ये बना लिया, ओके। ये भी सारी क्लोज शेप्स हैं, यस सर। ओके, आपके पास कितनी तीली थी? फाइव, वेरी गुड। ओके, और एक फोर वाला ग्रुप भी तो था, को बंद करो ना, ये क्लोज कहाँ है ये, ठीक है। तो ये आप दो तो एक जैसे ही बना रखे हैं आपने, एक और बनाओ ना फिगर, ठीक है, सोचो और बनाओ।